आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। इस समय हम मौजूद हैं आगरा की फतेहाबाद विधानसभा के गांव मझारा में। मझारा में हम लोग आ चुके हैं और यहां मझारा की जनता है हमारे साथ। यहां हम मझारा की जनता से ही बात कर लेते हैं कि इस बार वो विधानसभा में किस विधायक को और किस विधायक को पहुंचाने जा रही है यहां की जनता, और क्यों पहुंचाने जा रही है, क्या कुछ उसके अंदर क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ ऐसी लोकप्रियता रहेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को जानने के लिए हम मझारा गाँव में आ चुके हैं। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, ये बताइए कि इस बार जो 2022 का चुनाव है विधानसभा का, इस बार आप विधानसभा में किस विधायक को पहुंचाने जा रहे हैं? रूपाली। रूपाली, रूपाली को ही क्यों, ऐसा क्या है उनके अंदर? वो बढ़िया मोड़ी और बढ़िया काम करेगी, पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी है, मतलब शिक्षित आप विधायक को चुनना चाहेंगे? शिक्षित, जो पढ़ा लिखा हो। हाँ, जो पढ़ा लिखा हो बाइक चुनना चाहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कि जो शिक्षित है, इससे पहले और जो लोग विधायक हुए थे उनको क्यों नहीं, और ये शिक्षित होने की वजह से इनको ही क्यों? वो का क्यों? ये मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ इस बार वो कैसा विधायक चुनना पसंद करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? बाली सिंह गहलोत, युवजन सभा, जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। जी, मेरे साथ ये बाली सिंह भैया मौजूद हैं। ये बताइए कि इस बार 2022 में किसको आप विधानसभा पहुँचाएंगे, किस विधायक को? रूपाली दीक्षित सबसे बेस्ट कैंडिडेट है और हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के चेहरा में देखना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि रूपाली दीक्षित ही क्यों इस बार, कोई और विधायक क्यों नहीं? क्योंकि कोई गुंडा है तो कोई भ्रष्ट है। अच्छा, इसलिए भ्रष्ट है, कोई गुंडा है तो कोई भ्रष्ट है। जो पार्टी ने, बीजेपी वालों ने जो प्रत्याशी भेजे हुए हैं, तो कोई गुंडा है तो कोई बसपा वाला कोई भ्रष्ट है। तो हमको रूपाली दीक्षित सबसे बेस्ट है, प्रत्याशी है फतेहाबाद विधानसभा के। जी बिल्कुल, जिस तरह बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो ये कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, तो आप उनके ही टिकट के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए बता रहे हैं कि ऐसा क्यों? कोई गुंडा राज नहीं खत्म किया ना, 5 साल में किसी युवा का कोई नौकरी मिली? पूरा, हाँ, पूरा कार्यकाल ऐसे ही निकाल दिया, कोई नौकरी नहीं। आप बताओ कौन सी नौकरी हुई है, सारे किसी का पेपर लीक हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, कोई नौकरी नहीं मिली। अगली सरकार में कम से कम युवा अपनी नौकरी तक पहुंच पाता था, जो मेहनती लड़का होता था वो, और इस 5 साल में किसी को एक नौकरी मिली हो तो आप मुझे बताओ। जिस तरह योगी सरकार के द्वारा राशन फ्री भी दिया गया है और लोगों की मदद की गई है, आवास योजना निकाली गई है, पेंशन योजना निकाली गई है, काफ़ी ऐसी योजना है, शौचालय है, विद्याधन पेंशन वगैरह, ये सब योजनाएं फिर आप कैसे कह सकते हैं? योजना में तो फिर 15 लाख भी आ रहे थे किसानों के अकाउंट में, वो 15 लाख कहाँ गए? आपके नहीं आए? नहीं आए 15 लाख। हमने इंतजार बहुत लोगों ने 15 लाखों का किया, हाँ, किसी के 15 लाख नहीं आए। और यो उससे क्या हो रहा है राशन से, किसी का लड़का नौकरी पे पहुंचेगा तो नौकरी अच्छी है आप बताओ मुझे, या राशन अच्छा है? अच्छा। राशन तो पहले भी मिलता था, राशन को भी नई चीज थोड़ी है। इस बार तो राशन फ्री कर दिया ना, पहले पैसों से मिलता था। तो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है इन चीजों से भाई? नौकरी दो युवाओं को, युवाओं को नौकरी की जरूरत है या राशन की जरूरत है? जब नौकरी लगेगी तो राशन तो अपने मेहनत से कमाएंगे खाएंगे वो लोग। बिल्कुल साफ है, यहाँ युवाओं का जो मत है बिल्कुल साफ है कि हमें युवा और पढ़ा लिखा प्रत्याशी। मेरे साथ एक युवा और मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया क्या नाम है आपका? ब्राट ठाकुर। ब्राट ठाकुर, भैया क्या नाम है आपका? ये बताइए ब्राट जी कि इस बार आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र से जो विकास करे आप? हम एक प्रत्याशी भी युवा चाहते हैं और एक मुख्यमंत्री भी युवा चाहते हैं जो कि विकास कर सके। एक एजुकेटेड भी होना चाहिए। हमारे 93 विधानसभा फतेहाबाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार आई हैं रूपाली दीक्षित, जो एक युवा भी है, इंग्लैंड से उन्होंने MBA किया है, जो कि 93 विधानसभा में काफ़ी विकास करेंगी, शिक्षित भी है, युवा भी हैं।
ये बताइए कि वो इंग्लैंड से पढ़ के आई है, विदेश में रहने वाली लड़की क्या कुछ विकास करा सकती है? क्या आपको उम्मीद है कि आप गांव में धरातल में विकास कराएंगी? वो हमारे साथ 2 साल से कर्मा संगठन से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने क्षेत्र में अपना काफ़ी दबदबा बनाया हुआ है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति से मतलब उसमें एकदम फिट हो चुकी हैं, तो यहाँ विकास करेंगी हमें पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है बिल्कुल। यहाँ देखिए मेरे साथ ये युवा मौजूद, मैंने साफ तौर से इनसे पूछा कि जो लड़की विदेश में रही है, जो महिला विदेश में रही, वो क्या भारत के अंदर और एक गांव देहात में कैसा कैसे बिगड़ और विदेश पढ़ने के लिए गई थी? तो जी बिल्कुल, मेरे साथ ये बाबा मौजूद है। अंकल जी, ये मैं इनसे बात कर ली थी। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रेम सिंह। बहुत आपका भी नाम बहुत अच्छा नाम है, प्रेम का मतलब स्नेह होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस बार विधानसभा किसको पहुँचाना चाह रहे हैं, किस विधायक को? हमारी लाली पहुँचाई, रूपाली। रूपाली, हाँ, क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि हमारे सभी लोग हैं विधानसभा 93 से फतेहाबाद से, परंतु हमको और जो भाजपा से है वो प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए, उन्होंने हमें ठेक पर अब नहीं रहेंगे। और तुम्हारे सेलू सिंह है बसपा से, वो भी नहीं हमें अच्छे, हमें ये लड़की अच्छी लग रही है क्योंकि युवाओं का काम करेगी, क्योंकि पढ़ी भी लिखी है, युवा भी इसके साथ है हमारे धौला के, और शिक्षक लड़की है। हाँ, मतलब साफ है कि शिक्षित विधायक चाहिए। कर्मठ है, असली कर्मठ ने यार, मतलब उसे कोई वो नहीं है, पैसे की भूख नहीं है, और जितने ये हैं और सपा बसपा जी असल लुटे रहे हैं, सब दलाले हैं, सब पुलिस वालों को दलाली अभी भी करा रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। अरे योगी जी तो होते हैं, कहते हैं योगी जी ने पुलिस को बढ़ा दिया, किसी की नहीं मानते, भले आदमी को पकड़ के ले जाते 500 रुपए ले लेते हैं। उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। पुलिस ने सत्यानाश करवा दिया योगी जी ने। विकास नहीं हुआ आपके गाँव में? कुछ नहीं विकास हुआ। ई कार्ड बनवाए अभी सर जी, ई कार्ड बनवाए, वाने की 500 रुपए के 1000 रुपए आएंगे साले, ई कार्ड में 50,000 रुपए और ठग ले गए, और कोई बहन जो किसी का नहीं आया। तो ई कार्ड तो फ्री में बनवाया था योगी जी ने? अरे यहाँ 50,000 रुपए मैंने बेटे, 50,000 रुपए मैंने पैसे लगे, हमारे मेरे घर से 1,150 रुपए गए थे, 1,150 रुपए भी नॉन मिर्च के लिए होते थे। आपने सब लोगों के लिए ई कार्ड बनवा लिए और आपके पैसे भी चले? पैसे एक भी नहीं आए, नहीं आए, कोई ई कार्ड नहीं आया। और फिर हमें कहते, हम संविदा कर्मी है बिजली विभाग में जी, हमारा 4 महीने से धरना चला था जी, और अभी तक उन्होंने कोई सुनाई नहीं की, 2 बार अनुशासन दिया, उन्होंने हड़ताल भी हटवा दी, सब करवा दिया, इसलिए हम योगी जी के साथ नहीं है, हम अखिलेश के साथ हैं जी। अखिलेश सब बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं इस बार यूपी में, बदलाव जी। मेरे साथ यहाँ एक युवा मौजूद है, युवा है मौजूद, मैं युवा से बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय ठाकुर है। विजय ठाकुर, क्या बात है विजय, मतलब हर चीज पे विजय आप प्राप्त करते होंगे, अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए, विजय भी चाहिए जी। ये बताइए इस बार आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे, आप अपने क्षेत्र में जो विकास करे? कहते हैं यहाँ लोगों ने बताया कोई विकास नहीं हुआ, लोग परेशान है, युवा भी बेरोजगार है, तो आप भी युवा है, आप कैसा विधायक चाहते हैं? मैं हम रूपाली दीदी को चाहते हैं। रूपाली दीक्षित को? ऐसा क्या है, यहाँ मैं अभी ये मझरा गाँव में आई हूँ, तो एक सिंगल एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसने ये कहा कि हम किसी अदर के या मतलब बसपा के प्रत्याशी को चाहते हैं या कांग्रेस को या बीजेपी, अब सभी के सब रूपाली, ऐसा क्या है, क्या क्वालिटी क्या है उसके? ऐसा बीजेपी के द्वारा जो कैंडिडेट आया है वो तो पंडितों की चुटिया कटवा रहा है, ठाकुर में गोली चलवा रहा है, और जो उसके दलाल है वो मतलब अपने ऊपर ही लेके चलते हैं कि जो हमारे पास है वो हमारे पास वोट है, कैंडिडेट के पास वोट नहीं है। अच्छा, हमारे पास वोट है। अच्छा, तो साफ तौर से जो टिप्पणी भी की है तो इसको लेकर के आप बहुत सख्त नाराज हैं? बिल्कुल 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 विरोध में है, हम नहीं चाहते वो आए, और नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं रूपाली दीदी आए। अगर वो आती हैं तो क्या कहते हैं? वो आते हैं तो क्या है, वो आएंगे तो आ जाएंगे, हमारा क्या है। अच्छा, हम तो चाहते हैं रूपाली दीदी को वही आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, उनको ही आप चाहते हैं कि वो विधानसभा वही पहुँचे? यस। अच्छा, ये बताइए विकास की बात करें तो आपके गाँव में कितना विकास हुआ? हमारे गाँव में तो कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं, सड़क नाली खरंजे कुछ नहीं, वो करवाया था बाबूलाल चौधरी जी ने करवाया था। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं कराया? इन्होंने कुछ नहीं कराया। तो बिल्कुल साफ है यहाँ, ये मझारा गांव है, यहाँ पर लोग सख्त नाराज दिख रहे हैं, और लोग यहाँ इस तरह से दिख रहे हैं कि साफ ये कह रहे हैं कि जो रूपाली दीक्षित है, जो हमारी जो प्रत्याशी है, हम उनको ही वोट करेंगे, और हम इनसे ही उनको ही विधानसभा पहुँचाएंगे। मेरे साथ एक भैया और मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर ली थी जी। नाम क्या है आपका? महेश। महेश जी, ये बताइए कि इस बार विधानसभा किस विधायक को पहुंचाने जा रहे हैं, जिससे क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी आपकी? रूपाली दीक्षित। रूपाली दीक्षित, ऐसा क्यों? रूपाली दीक्षित क्यों? वो समझदार हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और मेरे हिसाब से ये भ्रष्टाचार भी कम होने देंगी वे जी।
और बाकी के तो हमने सबको देख लिया, योगी जी बढ़िया है मुख्यमंत्री, हम मानते हैं इस बात को। और वो कैंडिडेट ऐसा भेज देते हैं कि हमको लूट ले जाते हैं। अच्छा, 50 साल से लूट रहे हैं ये कैंडिडेट जो तारा है अभी, उन्होंने 50 साल से राजनीति में कुछ नहीं किया आज तक। छोटेलाल वर्मा को इस बार दोबारा से उन्होंने उतार दिया है, तीसरी बार ये उतारा है, तो बार बार उनको उतारा है, ऐसी क्या क्वालिटी रहती है जो उनको बीजेपी उतारती है? और आप उनका ऐसा क्या आप उनसे मतलब खिलाफत रख रहे हैं? क्या आपके मन में ऐसा है कि आप उनको नहीं चाह रहे हैं और रूपाली को चाह रहे हैं पहली बार में? यही बात तो हमको बीजेपी को बतानी है कि आप अपनी इच्छा से कैंडिडेट को उतारते हैं, जनता की राय क्यों नहीं लेते हो? यही दिखाना है उनको बस, जनता के पास है कैंडिडेट बनाना क्या आपके पास है वहाँ से दिल्ली से? इतना नाराज क्यों है ये बताइए आप। नाराजगी तो ये है, हम कैंडिडेट से नाराज है, उनसे नाराज नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। कैंडिडेट से क्यों नाराज है? ऐसे ये हमारे पास साथ 50 साल से राजनीति कर रहे हैं तो हमको उनका अनुभव नहीं है कि ये कैसे है? ठाकुरों की गोली चलवा दे, पंडितों की चुटिया काट ले घर बैठे के भी तो। अच्छा, हाँ ऐसे बोला है उन्होंने भाषणों में। जातिवाद, जो जातिवादी जो उन्होंने जो भाषण दिए उससे सख्त नाराज है जनता। जब सख्त नाराज है उनके भाषणों से, उनके व्यवहार से, उनकी बोलचाल से। अच्छा, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और ये रूपाली दीक्षित का इनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो शुरू से है, वे पहले भी राजनीति में रह चुके हैं, 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं उनके पिताजी जी। वो 3 इलेक्शनों में मतलब हार रही है उनकी, थोड़ी वोटों से हुई है। अब ये लड़की आई है तो हमें इन पे मतलब अपनी वो आशा रखते हैं कि शायद अभी उनको मैंने कुछ देखा तो है नहीं राजनीति में, क्या करेंगी। उम्मीद है आपको? उम्मीद है बस उन पर, उनसे उम्मीद है, उम्मीद उनके पिता के बाद में आप अब उनसे उम्मीद, अब उनसे उम्मीद रख रहे हैं जी। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद थे और ये सभी लोगों ने बताया। और मेरे साथ यहाँ एक और भैया मौजूद है, मैं इनसे अंकल जी इनसे बात कर लेती हूँ। अंकल क्या नाम है? कालीचरण जी। कालीचरण जी ये बताइए कि इस बार आप विधानसभा में जो अपना विधायक अपने क्षेत्र का जो चुन के भेजेंगे वो कैसा होना चाहिए और किसको भेजना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए, रूपाली दीक्षित जैसा होना चाहिए। रूपाली दीक्षित जैसा? ये कुपड़ नहीं होना चाहिए, ये बीजेपी ने कुपड़ को उतार दिया है। इन्हें कम से कम 3 बार पहले हो चुके मंत्री भी बना दिए, इन्हें जनता की ऐसी मार रखी है। इन्होंने जनता का कोई विकास, हम बीजेपी से खिलाफ नहीं है जी। योगी बाबा को ये समझ आनी चाहिए कि पुलिस वालों को कितना बढ़ावा दिया है उन्होंने, और राशन दिया है, राशन तो पहले ही मिलता था जी। नहीं, इस बार तो फ्री दे दिया ना राशन? अरे तो फ्री तो दे दिया, अभी तो दे दिया 3 महीने, मार्च के बाद हम बताएंगे कितना फ्री देगा ये। अच्छा, किसको फ्री देगा? तो अभी अभी इनने जो राशन फ्री दिया है इसका क्या मानते हैं हम? राशन दिया है वो बहुत बढ़िया किया है, मगर कैंडिडेट बढ़िया नहीं है यहाँ का। और इसके अलावा पुलिस वालों को बढ़ावा दे दिया है, मोटरसाइकिल पकड़ ली लाओ 100 रुपये, लाओ 200 रुपये। योगी बाबा जानते नहीं है क्या? योगी बाबा खुद लेते हैं इनसे, तो पुलिस वाले तो लेंगे ही पैसे। योगी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया हमने, उत्तर प्रदेश एकदम भ्रष्टाचार विकास की गंगा बहा दी है, अच्छे अच्छे लोगों को मरवा दिया है जी। और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या नहीं हो रहा है आप देख रही होंगी सारी न्यूज पे, आज भी 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है जी। क्या कर दिया उन्होंने? हजारों बलात्कार, किसी को फांसी थी, किसी क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी को चाहिए पैसा। अब एक तो कुपड़ छोटेलाल को दे दिया यहाँ पे, क्या करेगा ये? मतलब जो अशिक्षित है उसको आप नहीं चाहते हैं, आप शिक्षित को चाहते हैं? हम मतलब रूपाली जैसी पढ़ी लिखी लड़की को चाहते हैं। अब देखो आगे क्या करेगी वो उसके ऊपर निर्भर है, मगर हम चाहते हैं इस वक्त सपा का जी। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ एक बाबा मौजूद है, मैं ये बिल्कुल किसान है और बिल्कुल दिख रहे हैं कि ये किस तरह मेहनत करते होंगे, और ये साफ दिख रहा है, ये इनकी जो इनका जो वेशभूषा है इनको साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये कितना मेहनत करते होंगे दिन रात, इन्हें अपनी शरीर का भी फुर्सत नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब सिंह है। नवाब सिंह जी, ये बताइए कि आप सुबह से लेके मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी डंडा हाथ में है, तो क्यों डंडा क्यों लिए हुए हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। डंडा इसलिए लिए हैं कि एक तो उम्र का तगाजा है जी, दूसरी बात ये समझ लो कि कुत्ता बिल्ली रस्ते में, तो आजकल 300 रुपये का इंजेक्शन लगता है, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है। सरकार तो फ्री देती है इंजेक्शन? सरकार कोई इंजेक्शन कोई फ्री नहीं देती है आजकल, यूँ समझ लो हर गांव के अंदर मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड कर दिए, मगर हमारे गांव के अंदर कोई आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं है। जिस क्षेत्र के अंदर चले जाओ सबके गरीब आदमी मर रहा है बीमारी से, और पैसे वाले मौज उड़ा रहे हैं। पैसे वालों के पास आयुष्मान कार्ड है, गरीब आदमियों के पास किसी के कार्ड नहीं है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए बाबा, आप खेती करते हैं? हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं हम। मेहनत मजदूरी करते हैं तो खेत वेत सही चल रहा है आपका? अरे जैसा ईश्वर के भरोसे चल ही रहा है,
क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा यूँ कह रहे हैं कि भाई कोई मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी अपने पॉइंट पे रह रहे हैं कि मतलब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पैसे वालों का तो विकास कर रहे हैं, अच्छी तरीके से खाओ धड़ल्ले से भरते रहो कोठे कमरे और निकल रहा है माल, और गरीब आदमी है वो मरते रहो कुछ भी हो। तो ये बताइए तो आप अपना खेती में कुछ मतलब पैदा कर लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं? इतना कमाते हैं कि योगी जी ने गैया छोड़ दी हैं तो इतनी कमाई करके रख जाती हैं रात में, घर में नहीं रखा जाता है। मतलब इतना ज्यादा गायों से इतना ज्यादा खेती हो रही है? अरे खेती हो रही है, पूरी बर्बाद कर रही है, किसान मर रहा है, खाद भी किसान को मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो ये समझ लो तो 1000 का है, 1500 का मिल रहा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार, योगी जी ने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप कैसे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये कहने वाली बात है। मोदी जी ये मोबाइल पे सबको के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये मोदी जी एक तरह से दाना डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं ये मोदी जी, और कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, बना रहे हैं बिल्कुल बना रहे हैं, वो वोटों के चक्कर में बना रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं जनता के जिनके अंदर बुद्धि नहीं है कुछ भी नहीं है, कि ये राशन फ्री ये वो फ्री, ये साबुन आ रहे हैं, ये चीनी आ रही है, ये तेल आ रहा है, ना चीनी आई ना साबुन आए कुछ नहीं, महीने में एक बार वो चने दे दिए, और वो नमक की उसमें नमक में भी कांच मिले हुए आ रहे हैं, तो वो मोदी जी हाँ कोई उसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए जो राशन मिल रहा है उससे आपका गुजारा नहीं हो पाता? नहीं हो पाता गुजारा, गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो पाता। अच्छा। आज ये समझ लो मोबाइल में देखिए जगह जगह मीडिया वालों ने छापे मारे हैं, 5 किलो की जगह 4 किलो राशन दे रहे हैं वो लोग, और कांटों के अंदर भी कमी आ रही है, बरौली पे भी रट्टा हुआ है आज इसी राशन के ऊपर, कई जगह हुआ है। अच्छा बाबा ये बताइए इस बार फिर आप किसे मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे और विधायक किसे बनाएंगे इस बार? इस चीज से विधायक तो जिसके नसीब में जो होगा वो ही रहेगा, ये तो ये है कि हमारा जो मजारा गांव है इन सब की भावना जिसकी तरफ होंगी उन्हीं की तरफ हम जाएंगे। तो ये मजारा गांव के वासियों की भावना क्या लगती है आपको, किसकी तरफ जा रही है? हाँ मजारा वालों की भावना तो इस बार रूपाली दीक्षित के लिए ही जा रही है। क्यों? जी हाँ। तो आपकी भी भावना रूपाली दीक्षित की तरफ बह रही है? हम गाँव से बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ हमारा ये सिद्धांत है जहाँ हमारा गांव चलेगा वहीं हम चलेंगे। मतलब गांव को परिवार समझते हैं, जहाँ परिवार जाएगा हम उसके साथ जाएंगे। गांव वाले हमें समझते हैं, हम गांव वालों को समझते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल साफ है। यहाँ मैंने तमाम लोगों से बात की, युवाओं से की, बुजुर्गों से की, जवानों से की, सब लोगों से बात की, और सभी लोगों का साफ तौर से ये कहना था कि ये जो यहाँ फतेहाबाद विधानसभा है, यहाँ जो बजारा गांव है, यहाँ से हम साफ तौर से जो रूपाली दीक्षित जो सपा की प्रत्याशी हैं, हम उनको यहाँ से जीत हासिल करके यहाँ विधानसभा पहुँचाएंगे। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी रायबरेली जिले में चालू हो चुकी है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है यहाँ पर, जो इनसे ये जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनेगी या किसका सिक्का चलेगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह एडवोकेट। सब चुनाव आ चुके हैं तो सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग? आप लोग तो अधिवक्ता समाज से आते हैं। जो जीतेगा उसी के साथ हम लोग हैं। आप अपना वोट किसको दे रहे हैं? ये हमारा गुप्त मतदान है, इसको मैं नहीं ओपन कर सकता। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? सब संतुष्ट हैं। वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो यानी माना जाए कि वोट आपका? ये आपको क्यों बताएं हम कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे? ये वकील साहब बहुत जो है बताना नहीं चाहते, अपने मतदान को गुप्त रखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं, इनसे भी जानते हैं क्या राय है। क्या परिचय है आपका? राम मोदी यादव, एडवोकेट। चुनाव आ चुके हैं तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं अब की बार? इस समय तो सरकार बनने वाली समाजवादी पार्टी की। क्यों? भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो समाजवाद नहीं तमंचावाद आ गया है। तमंचावाद था, अब तमंचावाद खत्म करी समाजवादी। तो यानी के जो समाजवादी पार्टी कह रही है तो आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं? सरकार से क्या नाराजगी होगी बाबा से आपकी? इसमें ना किसी भी रोजगार किसी को मिला, और ये जो आवारा पशु छोड़े गए, बेरोजगारी, मतलब सारी योजनाएं बंद कर दी गई समाजवादी की, चाहे वो कन्या विद्याधन रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो, सारी योजनाएं तो समाजवादी। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को 2 गुना राशन, उज्ज्वला गैस,
इसको कहाँ तक देख रहे हैं आप? ये केवल फर्जी है, कागजों पर है। क्यों, राशन क्या कि नहीं मिल रहा किसी को? राशन कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा है इनका ये मानना है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं ये जानते हैं, इनका क्या कहना है? क्या परिचय है आपका? शिव कुमार। चुनाव आ चुके हैं तो अधिवक्ता समाज का क्या आपकी बार मूड है? सरकार किसकी बना रहा है? उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बंधु ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ये मन बना चुका है कि इस आतताई सरकार, भय भूख भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसान मजदूर गरीब विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का आह्वान अधिवक्ता समाज ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश और सम्मानित जनता, सम्मानित मतदाता कर रहे हैं। 2022 में जैसा हम लोग कह रहे थे, सोच रहे थे, 2022 आ गया। अब की बार बाबा को हम गोरखपुर भेजने का काम करेंगे, उनका टिकट भी बुक हो चुका है। राज चलाना जो पढ़े लिखे लोग, शब्दों के मर्यादा ध्यान दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं, हम तो वापस लीजिए। हम आम जनमानस है, हम बोल सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो उसको लगने दीजिए, ठीक है ना? नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो ये पूरी तरह से अशोभनीय है, निश्चित ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इनके खिलाफ, हमारे साथ कुछ और लोग हैं ये जानते हैं, इनका क्या कहना है? क्या परिचय है आपका? उमेश चंद श्रीवास्तव। सर चुनाव आ गए हैं, है तो क्या कहना है आपका, सरकार कौन बना रहा है? हमें ये कहना है कि गंदगी को, बेरोजगारी को दूर फेंकना है, और स्टूडेंट को जिस तरह शोषण हो रहा है ये बहुत गलत सरकार कर रही थी प्रेजेंट सरकार, और मैं ये चाहता हूँ कि सुपर टेट जो आज तक लागू नहीं किया, इसके लिए छात्र बहुत नाराज है, और राशन में कंकड़ टाइप के चने मिल रहे हैं, और जो राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? राशन कहाँ मिल रहा है? राशन किसी को नहीं मिल रहा है, सरकार तो कह रही है कि हम सबको दो गुना राशन दे रहे हैं, रिफाइंड तब कह रही थी जब सरकार थी, अब सरकार नहीं है, अब सरकार नहीं है। चुनाव आ चुके हैं तो वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? हम नहीं, सब लोग संतुष्ट हैं। वर्तमान योगी बाबा से आप संतुष्ट हैं? सब लोग ये तो कह रहे हैं संतुष्ट नहीं है। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, क्या पूछे थे? आप तो कह रहे हैं सब लोग संतुष्ट हैं। अब आप देख लीजिए, इतने लोगों से आपने बातचीत की, आप समझ रहे हैं, हमें लगता है ये अंधभक्त हैं, हमें लगता है जो इनकी बात, आपको अंधभक्त कहा जा रहा है? हम लोग भक्त हैं, ये लोग अंधभक्त हैं। टोटी चोर गूगल पे डालिए, कौन है? प्लीज श्रीमान जी, अभी डालिए प्लीज श्रीमान जी। हम इनसे प्रश्न कहेंगे, बाबा के पांच काम गिना दे। आप इधर आइए, मान लीजिए, मैं मान लूंगा, जो भारत की जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए अच्छे बाबा ने किए हो। दो पांच काम बताइए, पांच काम, दस तारीख को मालूम, दस काम, पांच काम बताइए, पांच तारीख को दस काम मालूम चलेगा। हम बता रहे हैं, दस तारीख को दस काम। हमारे वो राजभर जी, माननीय नेता जी, उनका शब्द हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, 10 मार्च 10 बजे चल सन्यासी मंदिर में, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश। आपका क्या कहना है? बाबा ही रहेंगे, और जो जो सपा में आ रहा सब माननीय हो जा रहे हैं, जो बाहर जा रहा बेकार कोई नहीं। अब की लखनऊ बचाने, बाबा तो गोरखपुर गया, उसको कोई बचाने वाला अब दिल्ली वाला भी नहीं आएगा, बाबा गया। और 10 तारीख नहीं, उसके पहले भाजपा के लोगों ने उसको वहां भेज देने का काम किया। कहीं ना कहीं रायबरेली जनपद में जो है वो एक मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था पर सरकार को सराहा है, वही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा भी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है और चौथे चरण में रायबरेली जनपद में नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग विधानसभा के हिसाब से जो है कमरे अलॉट किए गए हैं, और बैरिकेटिंग लगा कर जो है कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहा है। और कोविड आचार संहिता के पालन के साथ साथ ही जो है कोविड नियमों का भी पूरी तरह से यहाँ पर पालन किया जा रहा है, सभी लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, और ये 180 सदर विधानसभा रायबरेली के लिए रूम अलाट हुआ है। इसी तरह रायबरेली जनपद की जो है वो 5 विधानसभाओं के नामांकन पत्र की बिक्री यहाँ पर होगी। सलवन विधानसभा जो है वो 5वें चरण में उसके नामांकन पत्र की बिक्री जो है वो 5 तारीख से करी जाएगी।
जिला प्रशासन ने नामांकन की प्रक्रिया चालू कराने के लिए पूरी तरह से जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था पहले से करी है। बैरिकेडिंग के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बताते चले कि सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की खरीद की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और 3 बजे तक चलेगी। रायबरेली जनपद की 5 विधानसभा से अलग अलग सरेली हो, हरचंदपुर हो, सदर हो, प्रत्याशी आ रहे हैं और वो नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। 3 बजे के बाद ये मालूम चल पाएगा कि रायबरेली जनपद से कितने लोगों ने नामांकन पत्र को खरीदा है और कितने लोगों ने नामांकन किया है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।